रसमीम्स डेयर स्टूडेंट्स आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू महरोजाला अकेडमी तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश सिन बोर्ड चैप्टर नंबर वन ट्वेंटी मिनट्स विद मिसेस कैंटअब इसके इंपॉटेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वे ट्रांसलेस इन सवालों को समझेंगे इस चैप्टर की कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल पर मौजूद है अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं करी है आपको रिक्वयर्ड है आपको नीड है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं मूव होते हैं, हैं हमारी इस वीडियो की तरफ जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉट मोटिव हैज़ ही फॉर म ड्रिंग मिसेज यू कैटअप अच्छा देखिए यहाँ पर नीचे मैंने ट्रांसलेशन लिखी है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है नीड नहीं होती है पर मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दी है ताकि जब आप सवाल पढ़ें इसका जवाब पढ़ें तो आपको समझ में आए कि सेंटेंस में कहा क्या गया है और यहाँ पर जो ट्रांसलेशन नीचे गिवन है ना ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है सेंटेंस वाइज लिखी हुई है ठीक है तो हम रीड करते हैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है वॉट मोटिव हैज़ ही फॉर मर्डरिंग मिसेज जुकैंटप जो मिसेज सकैंट हैं उनको कत्ल करने का उसको कत्ल करने का जो ही कैरेक्टर है उसका क्या मकसद था अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता होगा कि मिसेज सुकैंटप कौन है ही कौन है ठीक है इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर में एक्चुअली है क्या इन कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ चैप्टर को एक्सप्लेसन एकस्पेने, चैप्टर की जो है वो वीडियो चैनल पर मौजूद है आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा देखिए मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में बताया है कि हमें जो है सवाल समझने से पहले चैप्टर को समझ लेना चाहिए जब हम चैप्टर को समझ लेते हैं ना तो हमारे लिए क्वेश्चन आंसर को याद करना भी इजी होता है उसे समझना भी इजी होता है ठीक है अब यहाँ पर देखें मिसेस व जो है ना इस ड्रामा की ही विलन है ठीक है इन्होंने मर्डर किया है दो लोगों का ठीक है और जो ही का करेक्टर है वो एज अ हीरो रोल प्ले कर रहे हैं अपना और वो हीरो क्यों है क्योंकि मिसिस जोडियू कैंडप जो, जो हैं उन्होंने जिन दो लोगों का कत्ल किया है वो ही की वाइफ और डॉटर थी ठीक है मिसेस जोडियू कैंडप जो है उन्होंने नशे की हालत में एक शर्त जीतने के लिए दो लोगों को कत्ल किया होता है ठीक है बाकी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन वीडियो कम्प्लीट है आप वहाँ से जाके चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन आंसर को याद करने में भी आसानी हो जाए समझने में भी आसानी हो जाए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि मिसेस उकेंडप को कत्ल क्यों करना चाहता था ये ठीक है उसका मकसद क्या था कत्ल करने के पीछे तो जवाब है हमें बताया जा रहा है द कैरेक्टर डिनोटेड बाय ही इन द मेलोड्रामा ट्वेंटी मिनट्स विद मिसेस उकेंट वांट्स टू किल मिसेस उकेंट टू रिवेंज द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर हु हैव बीन रन ओवर अंडर द व्हील्स ऑफ हर कार ड्यू टू क्रिमिनली ड्राइविंग डेंजरसली फास्ट टू विन अ बैट इन अ ड्रंक स्टेट अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि मेलो ड्रामा में ट्वेंटी मिनट्स विद मिसेज वकैंड में जो ही का कैरेक्टर है वो बताता है कि जो मिसेस वकैंड वो मिसेस सूकैंडप को अपनी बीवी और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए मारना चाहता था जो कि असल में ड्राइविंग की वजह से यानी कि जब वो ड्राइव कर रही थी तो वो उसकी कार के नीचे आ गई थी यानी कि मिसेस वकैंडप ने जान के उनको हिट किया था अपनी गाड़ी से और वो नशे की हालत में थी और एक शर्ट जीतने के लिए ख़तरनाक और तेज तरीन अपनी गाड़ी चला रही थी ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है वॉज ही जस्टिफाइड इन मर्डरिंग क्या ही को मिसेजप को कत्ल करना जायज था क्या उसका बनता था जवाब कि वो मिसेस जुकैंड को कत्ल करे अब यहां पे दूसरे सवाल में हमसे यह पूछा जा रहा है तो इसका जवाब है मिसेज जो डी हेल्ड गिल्टी फॉर मेन्स लेटर एंड सेंटेंस टू एटीन मंथ्स imprisonment but the character denoted by he believed that is what was not manslaughter but a planned deliberated heartless murder and deserved to be sentenced to death instead अब यहाँ पर कह रहे हैं मिसेज जूडी कैंडप जो हैं वो अपने किए पे शर्मिंदा थी कि उन्होंने दो लोगों का कत्ल किया और उन्हें 18 माह की सज़ा भी दी गई लेकिन जो करेक्टर ही हमारे पास उसे ये यकीन था कि ये एक जो है आ, जानबूझ के किया गया है ये गलती से नहीं हुआ ये प्री प्लान था और यह बहुत ज़्यादा uh, संगदिल कत्ल है और इसकी सजा सिर्फ अठारह माह नहीं है इसकी सजा uh, सजाए मौत होनी चाहिए आगे कहते हैं ही ही दैट शी हैड एन ऑप्शन ईदर टू किल हर सेल्फ बाई रैमिंग इन टू द लॉरी अप्रोचिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन और टू सेव हर सेल्फ़ बाय द माउंटिंग द पेवमेंट क्रशिंग टू इनोसेंट पेरिस्ट्रेंस हु वर द वाइफ एंड डॉटर ऑफ ही thus he was justified in murdering Mrs. कैंटप अब वो कहता है कि Mrs. उकैंड के पास जो है ना दो ऑप्शन थे या तो वो ख़ुद को मार लेती कैसे इन टू द रैमिंग इन् टू द लॉरी अप्रोच कर लेती वो अपनी कार को लॉरी से हिट करके ख़ुद की जान गवा देती या उनके पास एक और ऑप्शन था कि वो क्या करती फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन वो दूसरी डायरेक्शन से जाती पेवेंट जो कि फुटपाथ होता है रोड पर वहाँ पर जो दो लोग चल रहे थे जो कि ही की बीवी और बेटी थी उन्हें हिट कर देती और अपनी जान बचा लेती तो क्योंकि मिसेस उकेंडम ने दो लोगों की जान जान के कत्ल किया था उन्हें और अपनी जान बचाने के लिए पेवेंट से क्रॉस करते हुए अपनी गाड़ी को उन दोनों को हिट किया था इसीलिए यहाँ ही को मिसेस उकेंडम को कत्ल करने का जवाब मिल गया था ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सप्लेन द इम्पॉटेंस ऑफ द लेबल ऑन मिसेस उकैंडप सूटकेस व्हाई डज शी हाइड मिसेस उकैंड के सूटकेस पर जो लेबल है उसकी अहमियत और वजाहत करनी है आपने और वो उसे क्यों छुपा रही थी ये भी बताना है आपने ठीक है तो आंसर में इफ़ द मैन हैड नॉट सीन द लेबल ही वुड नॉट हैव टू कम टू नो दैट द लेडी इन द वेटिंग रूम वाज मिसेस जू डी ओ कैंटअप जो आदमी था अगर वो लेबल ना देखता तो कैसे पहचानता कि जो लेडी जो खातून बैठी हुई हैं वे वेटिंग रूम में वो मिसेस उकैंटअप थी द मैन द वुमेन हु किल्ड हिज वाइफ एंड डॉटर वो औरत जिसने उसकी बीवी और बेटी का कत्ल किया था इफ़ ही हैड रिमेन इग्नोरेंट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द वमेन द मर्डर वुड नॉट हैव टेकन प्लेस देयर वुड हैव बीन नो डेवलपमेंट ऑफ़ द प्लॉट एंड द प्ले कुड नॉट हैव बीन रिटन अगर वो औरत की शनाख्त से लायन रहता तो कत्ल ना होता प्लॉट की तरक्की ना होती और ड्रामा ना लिखा जा सकता ठीक है शी हेड द लेबल बिकॉज शी इज़ येट नॉट क्वाइट श्योर वीदर ही हैड रीड इट एंड वॉन्ट टू कीप हर आइडेंटिटी आ सीक्रेट उसने उस लेबल को छुपाया क्योंकि वो जानती थी कि अगर तो इसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसके लिए ये बात अच्छी नहीं है इसीलिए वो अपनी शनाख्त को छुपाना चाहती थी अपने बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी शी हैड गेस्ट हु द मैन वॉज उससे अंदाज़ा हो गया था कि यह आदमी कौन है शी दैट डिसक्लोजियर ऑफ हर आइडेंटिटी वुड ब्रिंग ट्रबल टू हर उसने ये महसूस कर लिया था कि उसकी शनाख्त का इंकशाफ उस पर मुसीबत ला सकता था यानी कि अगर उसके बारे में किसी को पता चल जाता तो मिसेज़ जूडियो कैंडा मुसीबत में आ जाती इसीलिए उन्होंने अपनी लेबल को भी छुपाया और अपनी शनाख्त को भी छुपाया ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर ये एट वॉट पॉइंट इन द प्ले डो वी बिकम सर्टन दैट द मैन नोज दुमन इन दिटिंग रूम इज़ मिसिस कैंटअप अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि ड्रामे के किस मोड़ पर कि कहाँ पे हमें पता चला हमें यकीन हो गया कि जो ही कैरेक्टर है वो जानता था कि इंतज़ारगा में मौजूद औरत जो है वो मिसेस कैंटअप है उसके आगे पूछते हैं वैन इन फैक्ट डू यू थिंक ही डिस्कवर्ड हर आइडेंटिटी उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका ख्याल है कि वो उसकी शनात किस वक्त उसने दरियाफ़ की थी यानी कि वो कब जान गया था कि वो जो औरत बैठी हुई है वो मिसेस सकेंटप ही है तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द एटीट्यूड ऑफ़ द मैन मेक्स इट क्वाइट क्लियर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दैट ही हैड कम टू नो दैट द लेडी इन द वेटिंग दूम वॉज हर हीस उस शख्स के रवैये से ये बात शुरू ही से बिल्कुल वाजह हो जाती है कि वह इंतज़ारगा में मौजूद खातून को मिसेस सकेंडअप के बारे में जानता था इसलिए उसने सूटकेस पर उसने उसके सूटकेस पर लेबल पढ़ लिया था यानी कि जो ही कैरेक्टर था वो शुरू से ही यानी जैसे ही वो एंटर होता है वेटिंग रूम में उसने सूटकेस पर लगा लेबल पढ़ लिया था उसे ये एहसास हो गया था वो समझ गया था कि ये ही मिसेज जुकेंटाबे तो वो स्टार्टिंग से ही जानता था कि वेटिंग रूम में मौजूद खातून मिसेज युगैंटाबे जिसने उसकी बीवी और बेटी का कत्ल किया था और वो जिसे ढूंढ रहा था ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव करते हैं तो तब तो यहाँ पर सवाल दिया गया है वैन इज़ द ऑडियंस लाइकली टू बिगेन टू सस्पेक्ट दैट शी माइट बी मिस सुटब सामयीन को इनकी जो ऑडियंस थी उसे कब शुबा होने का इम्कान है कि शायद वो मिससे सुकैंडब हो यानी कि हम लोगों को कैसे पता चले कब पता चला कि जो वेडिंग रूम में औरत है वो मिसे सकेंटअप है तो यहाँ पर आंसर है ऑफ कोर्स द ऑडियंस कम्स टू नो अबाउट हर आइडेंटिटी लेटर ऑन यकीन सामाइन को इस शनाख्त के बारे में बाद में पता चल जाता है इट इज़ वैन ही सेज दैट ही इज गोइंग टू शूट हर डैड ठीक है द ऑडियंस कम टू नो दैट शी इज़ मिसेज सुकैंड ये तब होता है जब वो कहता है कि वो उसे गोली मार देगा सामयन को पता चल जाता है कि यही ही मिसेज सुकैट है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे वॉट नोटिस डज द मैन हैव फॉर मर्डरिंग हर उसको कतल करने के लिए आदमी को क्या नोटिस गय, दिया गया था तो यहाँ पर आंसर है इट इज़ आउट ऑफ रिवेंज दैट ही मर्डर्स हर ये बदला लेने की नीयत से उसे कतल करना चाहता था क्योंकि इसके ही की ही की जो बीवी और बेटी थी वो उसकी वजह से कतल हुई थी ठीक है तो शी हैड किल्ड हिज वाइफ एंड डॉटर जो मिसेस उकैंटा में उसने उसकी बीवी को और बेटी को कतल कर दिया था शी वॉज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट एंड रोड अप द पेवमैन एंड क्रॉस दीज टू डेथ्स ठीक है तो यहाँ पे वो बता रहे हैं वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही थी और फिर पर चढ़ उसने उन दोनों को कुचल कर हलाक कर दिया था ठीक है ना ही वो बैंड अपॉन टेकिंग रिवेंज फॉर हर क्रल डैड अब वो उसमाना फेल का बदला लेने पर तुला हुआ यानी कि वो वजिद था कि मिसर सुगेंडा की सजा सजाए मौत ही होनी चाहिए ठीक है उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास इन दिस मेलोड्रामा इन दिस मेलो ड्रामा द ऑथर कीप्स ऑन बिल्डिंग ऑफ द टेंशन एंड दैन रिलेक्सिंग इट अंटिल द फाइनल मूवमेंट ऑफ टेंशन द मर्डर इज डन ब्रीफली डिस्क्राइब द चीफ मोमेंट्स ऑफ टेंशन एंड वर्ड फॉलोज आफ्टर एच वन इस मेलो ड्रामा में जो मुसन्फ़ है जो राइटर था ऑथर था उसने क्या किया टेंशन को बढ़ाता रहा और फिर उसको रिलैक्स करता रहा ये नहीं कभी कोई बीच में स्टेटमेंट ऐसा आता था कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाला स्टेटमेंट होता था और कभी कुछ एस स्टेटमेंट ऐसा आता था जो रिलेक्स करता था तो यहाँ तक कि ये तनाव के आखिरी लम्हे तक कब तक जारी रहा जब तक कत्ल नहीं हो गया तो यहाँ पर हमें बताना है कि तनाव के अहम लम्हात को मुख्तसर बयान करें यानी कि टेंशन वाले जो जो स्टेटमेंट्स थे ना वो आपने शॉर्टली ब्रीफली यहाँ पर बयान करने हैं और एक और हर एक लम्हे के बाद क्या होता है यानी कि हर हर स्टेटमेंट के बाद क्या क्या हुआ आपने पॉइंट वाइज बताना है ठीक है तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे द फर्स्ट मोमेंट ऑफ टेंशन कम्स वैन ही डिस्क्राइब द डेथ ऑफ हिस वाइफ एंड डॉटर इन द इन दैट एक्सीडेंट एंड स्पीक ऑफ हिस इंटेंशन टू किल हर सबसे पहली टेंशन वाली जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जब वो बताता है कि उस हादसे के बारे में कि अपनी बीवी और बेटी की मौत को बयान कर रहा होता है और वो उसके कत्ल करने पर अपने इरादे की बात करता है ठीक है सेकेंड है मिसेज उकैंड रिस्पॉन्सिपल फॉर दैट टेरेबल एक्सीडेंट ठीक है मिसज वकैंड जो है वो इस खौफनाक हादसे की जिम्मेदार थी द सेकेंड मोमेंट ऑफ टेंशन इज़ वन ही टेक्स आउट द रिवॉल्वर एंड टैर्स हर डैट ही इज गोइंग टू शूट हर दूसरा लम्हा जो है टेंशन का वो होता है जब वो अपनी रिवॉल्वर को निकालता है और उसे बताता है कि वो उसे गोली मारने वाला है द लास्ट एंड फाइनल मोमेंट ऑफ़ द टेंशन इज़ वन ही कम बैक ओपन द डोर एंड फिंसर पुटिंग द फिंगर्स टू द नो स्टेक्स आउट द रिवॉल्वर एंड शूट्स हर डेट सबसे आखिरी टेंशन का लम्हा वो होता है कि जब वो वापस आता है रूम में दरवाज़ा खोलता है और मिसेज जोडी उकैंडम कोकैंडम को अपनी रिवॉल्वर से शूट कर देता है वो और ऑन द स्पॉट मर जाती हैं ठीक है थीके? उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास राइट अ ब्रीफ़ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस सुकेंडप अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि मिसेस सुकेंडप का मुख्तरा किरदार का खाका लिखे देंगे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे वो किस तरह की औरत थी क्या थी तो हम आंसर में लिखेंगे मिसेस सकेंडप इज़ जस्ट एन ऑर्डनरी वुमेन वी वर नॉट टोल्ड हर एज मिसिस सकेंडप सिर्फ आम सी खातून है हमें उसके उम्र के बारे में यहाँ पर कहीं भी हमें बताया नहीं गया मैं में तो अब यहाँ पर भी यही लिखेंगे वी आर नॉट टोल्ड ऑफ हर एज वॉट वी कम टू नो इज़ देट शी इज़ क्वाइट अ ब्यूटीफुल वुमेन शी इज़ क्वेवर वैन शी प्लेज अ पार्ट ऑफ अर सर्फरिंग वुमेन एट द एंड ऑफ द प्ले हमें जो मालूम हुआ वो ये है कि वो काफ़ी खूबसूरत ख़ातून है और वो होशियार है जब वो ड्रामे के आखिर में एक मुसीबत जुदा खातून का किरदार अदा करती हैं जब ही उनको शूट कर रहा होता है तब ठीक है शी ओवर प्लेज़ दैट पार्ट एंड कैरीज़ इट टू फार उन्होंने इस हिस्से को ओवर प्ले किया ठीक है और उसे बहुत दूर तक लेकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा सीरियस और इमोशनल और ख़ुद को जो है इनोसेंट प्ले किया वी मीट हर फॉर टू शॉर्ट ए पीरियड टू फॉर्म एन एनी जस्ट और कंसिडर्ड ओपिनियन अबाउट हर कैरेक्टर शी इज प्लेस्ड इज एन एब नॉर्मल सिचुएशन एंड इज़ लेबरिंग अंडर द इम्पेंडिंग फेयर ऑफ किल्ड इसके किरदार के बारे में कोई मुसनिफाना या समझी जाने वाली कायम करने वाली ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं थी मुख्तर मुद्दत के लिए उनका कैरेक्टर हमें शो करवाया गया इस मेला ड्रामा में एक ये गैर गैरमूली सूरत हाल में रखा गया था और मारे जाने के खौफ से वो तहत मन जो है मेहनत कर रही थी वो मर जाने के खौफ से अपने बचाने के लिए ख़ुद को जो है जस्टिफाई कर रही थी बार बार अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर जो पूरे मेलो ड्रामा में मिसेस सकैंड का जो कैरेक्टर था वो ये था कि हमें सिर्फ इतना बताया गया कि वो एक ख़ूबसूरत ख़ातून थी और वो शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी और उन्होंने दो लोगों को कत्ल किया और वो पार्टीज में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी शराब पीना पसंद करती थी और जो है उन्हें अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं थी लेकिन वो अपने मर जाने के डर से अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी बार बार जस्टिफाई कर रही थी ठीक है उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ यहाँ पर पूछ रहे हैं राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पोर्टर ठीक है जो पोर्टर था उसका मुख्तर किरदार का खाका लिखना है मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है ठीक है जो कूली था रेलवे स्टेशन पर उसके बारे में थोड़ा सा बताना है ठीक है तो आंसर में हम लिखेंगे द पोर्टर इज अ पार्टली ड्रॉन कैरेक्टर मच ऑफ द एक्शन इन द प्ले कम्स फ्रॉम हिम ही जस्ट ब्रिंग्स द लेडी पैसेंजर इन टू द वेटिंग रूम अदरवाइज ही अपेयर्स टू बी अ काइंड हर्टेड मैन हु फील्स जॉय प्रोवाइडिंग कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स ही सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बाय हिज विटेड रिमार्क्स मेक्स अदर लाफ पोर्ट्रेट जो है वो जज्बी जज्वी तौर पर करदार तैयार करदा ड्रामे में जो है उसको लिया गया था ड्रामे में ज़्यादातर एक्शन इसकी तरफ से आता है वो सिर्फ ख़ातून मुसाफिर को इंतज़ार गाँव में लेकर आता है बसूरत बस दिगर वो एक नरम दिल इंसान नरम दिल आदमी दिखाई देता है जो मुसाफिरों को आराम पहुँचाने की वो जो है कोशिश में मसरूफ़ होता है उन्हें आराम पहुँचा कर खुशी महसूस करता है उसके पास मज़े का जज्बा होता है यानी कि वह इंटरटेन करता है अपने पैसेंजर्स को जो वहाँ पर आते हैं रेलवे स्टेशन पर और अपने जहीन तबसरों से उनको हंसाता है उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ अब इस सवाल को गौर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर टेन है मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आता है इस तरह के डिटेल क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है एक्सप्लेन नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसे आप चेकआउट कर लीजिएगा कभी कभार आ भी जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है ब्रीफली डिस्कस वीदर द प्ले हैज़ हैड अ मोर सेटिस्फाइंग एंडिंग

क्या ड्रामे का अख्ताम इससे ज़्यादा मतमईन बख्श हो सकता था इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था जो इस मेरे ड्रामा में हमें एंड दिखाया गया है अगर वो आदमी दरवाजे से वापस ना आता मिसेस सकैैंड को बेहूदा गैर मजहबी इशारा करते ना देखता उसे गोली मारना नहीं मारता यानी कि क्या मिसेस सकैंडप के गिरने पे बात ख़त्म हो जाती है सच्चे पछतावे के साथ और उस आदमी के फैसले के साथ अगर वो जिंदा रहती तो उससे मुनासिब बदला लिया जा सकता अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो मेलो ड्रामा का एंड हुआ है अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने वाली है कि मेलो ड्रामा का जो एंड था उसने ख़ुद से बदला लिया कानून को अपने हाथ में लिया जबकि उसे कानूनी सज़ा मिल चुकी थी तो यहाँ पर जो है हमारा मोरल मोरल ऑफ द मेलो ड्रामा ये हम साबित करते हैं कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ठीक है क्योंकि कानून ख़ुद से जो है सज़ा देता है क्योंकि मिसेस सुकेंडप को सज़ा मिल चुकी थी लेकिन ही को ग़ुस्सा था कि ये सज़ा काफ़ी नहीं क्योंकि उसने अपनी बेटी को और अपनी बीवी को खोया होता है तो वो कानून को अपने हाथ में ले लेता है तो यहाँ पे हमसे यही सवाल है कि क्या इससे ज़्यादा बेहतर एंडिंग हो सकती थी हमें अल्लाह पर भी भरोसा रखना चाहिए और अपने कानून पर भी भरोसा रखना चाहिए इन शाजमी तौर पर जो है कानून जो है वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज आउट कर सकता है और हमें अल्लाह ताला पे भी भरोसा रखना चाहिए क्योंकि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है ठीक है तो अगर मिसे सुकेंडम ने बुरा किया था तो उसकी सज़ा उन्हें मिल सकती थी ही को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था और उसे कत्ल नहीं करना चाहिए था उसे शूट नहीं करना चाहिए था तो क्या मेरे ड्रामा की एंडिंग इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती थी तो यहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हैं द प्ले वुड हैव केंज अ लॉट ऑफ इफ़ इट अ लिटिल अर्लियर मिसेस सुकैंडम जेन्युइन रिमर्स वुड हैव अफेक्टेड द एरिस्टोटलियन कैथर्स बट इट फेल्स टू टच दैट हाई लेवल बिकॉज वी सीज थ्रो द गेम एट विच शी इज प्लेंग टू आउट विथ ही हर फीस को लेब्स स्मैक्स ऑफ दिकल एटीन सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैन रैदर दैन रियल ट्रेजिडी दिस रियली डिटेक्स फ्राम दैल्यू ऑफ द प्ले अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि जो ड्रामा थोड़े पहले अगर खत्म हो जाता तो ज़्यादा फायदा होता क्योंकि मिसज सुकैंड वकीबी पछतावा जो है वो ज़्यादा मुतासर कर गया किस को एरिस्टोडेलियन के दर्ज इसको ठीक है लेकिन ये इस बुलंदी को छूने में नाकाम रहता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जो है मिसडप जो है वो अंदर से अपने गुनाह को कबूल भी नहीं कर रही हैं और वो अपने आप को सिर्फ मौत के डर से बचाने के लिए कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मिंदा हूँ अपने किए पे और मुझे सिर्फ वही जो है मूवमेंट हमेशा दिखाई देता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो ही भी क्या करता है वो परेशान हो जाता है वो देखता है ये तो बहुत ज्यादा इनोसेंट फील कर ये तो वो क्या करता है वहाँ से चला जाता है लेकिन जब वो वापस लौट कर आता है तो देखता है कि मिस और सकेंडअप को तो अपने किए पर कोई शर्मिंदगी है ही नहीं तो वो उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देता है ठीक है तो यहां पर आप ये जवाब लिख सकते हैं यहां पर आपको टेन क्वेश्चंस मैंने बताए हैं चैप्टर कंप्लीटली आपको समझाया जा चुका था पहले उसे आप चाहें तो रीड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये टेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ठीक है आपको विध ट्रांसलेक्शन समझा दिए गए हैं आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी कॉमेंट किया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बसानी मिलता रहे और बर वक्त मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़